नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज आचार्य जी बताएंगे ऐसे चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित पहवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजनाएं आज आप कुछ बनाने में सफल हो सकते हैं। अगर किसी पुरानी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको आने वाले समय तक लाभ मिलता रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार का क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप आर्थिक योजना बनाने में सफल हो पाएंगे, यानी आज आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपने भविष्य को ध्यान में रख करके, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट, एक्सीडेंट या किसी बहुमूल्य वस्तु के चोरी या खोने होने की आशंका, खो जाने की आशंका, गुम होने की आशंका ज्यादा दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की आज आप भली भांति पूर्ति कर पाएंगे। भाई या पड़ोसी का सहयोग आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अचानक धन प्राप्ति से मन को संतुष्टि मिलेगी, मानसिक संतुष्टि और हर्ष प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उत्तर विकार यानी पेट से संबंधित समस्या या फिर त्वचा के रोग से आज आप पीड़ित हो सकते हैं, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन में हर प्रकार के कष्टों और विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए। जब भी बात करें, जब भी कुछ बोलें तो बहुत सोच समझ करके नपातुला बोलें। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की जो आपने अभिलाषा काफी समय से मन में संजो रखी थी, आज आपकी वह अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री संतान गोपाल स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा किसी भी प्रकार से समय बढ़ाना नहीं चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी धन के मामले में आज कुछ आपके सामने समस्याएं आएंगी।
अपनी वाणी पर आपके लिए नियंत्रण बनाए रखना निरंतर आवश्यक रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ी सी गुस्से में, क्रोध में, उत्तेजना में कुछ ऐसी बात कर जाएं जिससे आपका कोई बनता हुआ काम भी प्रभावित हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। और अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक अक्षत जुड़ चुके हैं। जी अक्षत, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, ये मेरे बेटे का है, अक्षत नाम जी, और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 2001 जी, और जन्म था इलाहाबाद जी, सुबह 1:16 दोपहर में जी। इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसका भविष्य कैसा होगा जी? देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि इनके लिए अष्टमेश होने के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 12वें स्थान में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र की जो स्थिति को देखा जाए तो शुक्र भी इनके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के 12वें स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र का जो संयोग बन रहा है वह दशम भाव में बन रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो जातक है ये खेल कूद, मनोरंजन या एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना नाम बहुत अच्छा बना सकता है, मीडिया की फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकता है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुशासन और नियंत्रण अपनी जगह है। आपको डिसिप्लिन ज़रूर रखना होगा, किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये योग ऐसा है कि अगर आप दबाव बनाएंगे तो बच्चा विद्रोही स्वभाव का हो जाएगा, जो किसी भी परिवार के लिए और जातक के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे में बच्चे को समय समय पर सही प्रेरणा देने की आवश्यकता है, और मीडिया की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, मार्केटिंग या ब्रांडिंग की फील्ड में अगर आप इसका करियर बनाने के लिए इसे प्रोत्साहित करते हैं, इसे थोड़ी सी छूट देते हैं, स्पोर्ट्स भी उसमें एक क्षेत्र हो सकता है, तो इसका करियर कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। और गरिमा हल्द्वानी से अगली दर्शक जुड़ चुकी है। जी गरिमा, बताए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, बताइए। गुरु जी, मेरी छोटी बहन निहिता जोशी, जन्म स्थान हल्द्वानी, जन्म समय रात्रि 10:35 जी, जन्म तारीख है 1 नवंबर 1991 जी। गुरु जी, अभी MBBS कर रही हूँ, उसका MBBS का वर्ष पूरे 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, सामने ही PG की भी तैयारी कर रही है जी। तो गुरु जी कृपया बताए इसका PG में किस वर्ष होगा चयन, ये साथ में कर ही रही है, किस क्षेत्र में होगा, किस वर्ष होगा जी? बिल्कुल, देखिए करियर के लिहाज से इनके लिए परिस्थितियां और योग बहुत अच्छे हैं। जहां तक आपने बताया MBBS कर रही हैं तो वो स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छी बनती है, और जहां तक किसी बहुत बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता की बात करें तो इनकी कुंडली में 4 जून 2016 के बाद से चंद्रमा की महादशा में जब बृहस्पति का पीरियड आएगा वही समय इनके लिए खास उपलब्धियों भरा होगा। अभी चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, इस राहु की अंतरदशा में इनको विघ्न का सामना, बाधाओं का सामना भी समय समय पर करते रहना पड़ेगा, और इनकी कुंडली आंशिक रूप से कालसर्प योग से ग्रसित है। अगर समय रहते कालसर्प योग का निदान कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि समय से पहले भी इनको सफलता मिल सकती है, अन्यथा चंद्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी अगले साल जून में, 4 जून के आसपास, तब इनके लिए परिस्थितियां इनके पक्ष में बनेंगी। फिर इस समय में ये जहां भी अपना टेस्ट देंगी या जहां कहीं भी ये प्रयास करेंगी उसमें इनको सफलता मिलेगी। अरुण अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी अरुण, बताएं क्या सवाल है आपका। राम राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1981, जन्म, हाँ जी जी बताइए, पूरा जन्म विवरण बोलिए। जन्म स्थान है लखनऊ, जन्म का समय है 11:55 रात का। आपने सिर्फ जन्म का वर्ष बताया है 1981, तारीख और महीना नहीं बताया महोदय। 17 जनवरी जी। अब समय बताएं और फिर स्थान बताइए। समय 11:55 रात का जी, स्थान लखनऊ। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं करियर में कुछ है आगे, मतलब घर वगैरह, गाड़ी, ये चीज पूछनी है मुझे। जी बिल्कुल, देखिए आपने भवन, भूमि, वाहन और अपने करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। आपकी कुंडली में
चतुर्थ स्थान में यानी फोर्थ हाउस में सूर्य बुध केतु और मंगल का संयोग बन रहा है, यानी राहु केतु ने मिलकर के सूर्य बुध और मंगल को अपने ग्रहण योग में ले लिया और ये सारा जो संयोग बन रहा है, दुर्योग जिसे कहते हैं, अशुभ योग जिसे कहते हैं, ये चतुर्थ स्थान में बन रहा है, जो सीधे तौर पर भवन भूमि वाहन से और अपने परिवार से जुड़ा हुआ भाव होता है। और आपने प्रश्न ही भवन भूमि वाहन से किया है। जब तक इस दोष का निदान ना कर लिया जाए, यानी साफ तौर पर कहना चाहूंगा, सूर्य बुध केतु और मंगल के साथ साथ राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति जब तक ग्रहों की ना कर ली जाए, तब तक जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बुध भी वहां राहु केतु के साथ ग्रसित है। बुध भाग्य स्थान का स्वामी है, मंगल जो है वह अपने आप में सप्तमेश होने के साथ साथ धन स्थान का स्वामी है, सूर्य देवता आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी है। तो इस तरीके से सभी प्रमुख ग्रह जो है राहु केतु के ग्रहण योग में फंसे हुए, इनका निदान नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये समय बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा का समय है, ये समय आपके लिए थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, आप उपाय करें, प्रयास करें, लाभ जरूर मिलेगा। और मनवीर अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार संदीप जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1990 जी। जन्म स्थान तेज गढ़वाल उत्तराखंड जी। समय बताइए। समय रात को 9 बजे। हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं पंडित जी। हम अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट जॉब होगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में ही आपको जॉब करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में बिल्कुल साफ लक्षण है और आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र केतु और राहु के साथ ग्रहण योग में फंसे हुए हैं, जिसे गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है। तो ऐसे में जब तक आप निदान नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी की बात तो बहुत दूर रही, प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको संतोषप्रद स्थिति का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बृहस्पति, केतु, शुक्र और राहु, इन चार ग्रहों के मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं और वर्तमान दशा को देखते हुए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, फायदा मिलेगा। संजीव भरतपुर से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी संजीव, बताएं क्या सवाल है आपका? जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, फिर से बताइए। मैं कह रहा हूँ, एक साल से मेरा काम बहुत खराब चल रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जॉब है मेरे पास, ना मेरा कोई काम बन पा रहा है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1980 जी। और टाइम है 1:23 जी। भरतपुर, राजस्थान जी। देखिए, चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा है और दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि, ये योग अपने आप में पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए। ऐसे में व्यक्ति अपने विचारों से तो प्रभावित रहता ही है, अपनी वाणी और अपने व्यवहार से अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि दूसरा स्थान जो है वह धन स्थान होने के साथ साथ वाणी का भी स्थान होता है। तो ऐसे में जब वाणी भाव में, धन भाव में मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि का संयोग बन जाएगा तो आपकी अपनी जो सेविंग्स होंगी, परिवार का जो संचित और सुरक्षित धन होगा, उसका भी नाश आपके माध्यम से होगा। अपनी वाणी और अपने व्यवहार से आप अपना नुकसान करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो योग है वो तो खराब ही है, साथ ही साथ चंद्रमा की महादशा में जो केतु की अंतरदशा है वह भी आपको बहुत परेशान किए हुए है। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना करना, प्रति सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित करना और नियमित रूप से ओम नमः शिवाय के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको फायदा देगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महोपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की।
तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन के हर पक्ष में मिलेगा, चाहे पारिवारिक वाद विवाद को सुलझाने की बात हो या संतान के संबंधी कोई भी समस्या की बात कर लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अधिक धन का खर्च करने से बचना चाहिए। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग अपने भविष्य को ध्यान में रख करके व्यावसायिक योजनाएं बनाने में आज आप सफल हो पाएंगे। धन पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि प्राप्त होगी। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में आपको प्रगति प्राप्त हो सकती है। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर के रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बहुत बड़ी उम्मीद आज आप मत रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक व्यय होने के कारण मन अशांत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त आज आप कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चंद्र चूड़ामणि नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि शरीर में तेल लगा करके या बालों में केश में तेल धारण करके आज रात्रि काल में आप घर से बाहर ना निकले। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आज भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्मूर्तिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। शासन सत्ता का सहयोग आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अधिक तेज गंध वाले सेंट, इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब वक्त आज के महाउपाय का जानने का हो गया है, तो जानते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं रोग मुक्ति से बचने के कुछ बहुत ही सरल और बहुत ही प्रामाणिक उपाय। आपको करना ये चाहिए कि घर के प्रत्येक सदस्य और अतिथियों की संख्या को गिन करके उसमें आप 3 जोड़ दें और कुल संख्या के अनुसार मीठी रोटी बना करके प्रत्येक माह में एक बार कुत्तों या कौओं को आपको अपने हाथों से खिलाना चाहिए या उनके निमित्त कहीं आप खुले स्थान में रख दें। ऐसा करने से परिवार में किसी भी प्रकार के गंभीर रोग की जो स्थिति होती है या जो डर या भय बना होता है, कुछ ऐसा योग होता है तो वो योग कट जाता है। इसमें अतिथि इसलिए बताया गया है कि अगर कभी मान लीजिए आपको ये उपाय करना है, आप इस उपाय को करने का नियम बनाते हैं और आपके घर में उस दौरान कोई अतिथि और मेहमान आया हुआ है तो उनके निमित्त से भी आपको उसमें जोड़ करके उसके अनुसार आपको ये उपाय करना चाहिए। और अगर आपके परिवार में सिर्फ आपके परिजन हैं, अगर 4 लोग हैं तो 4 में आपको 3 और जोड़ना है, 7 रोटियां बनानी है और गाय और कुत्ते के निमित्त आपको उनको खिलाना है या उनके निमित्त घर से बाहर रखना है। महीने में किसी भी एक तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि पका हुआ कद्दू जो अंदर से खोखला हो उसे धर्म स्थान में मंदिर में यानी 3 या 6 माह में एक बार आपको अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दान आप ऐसी जगह करें जहां आपको मालूम है कि उसका प्रयोग हो जाएगा, वहां लंगर इत्यादि की व्यवस्था हो तो वह बाकी भक्तों के लिए भोजन में प्रयोग होगा। जब लोग उसको ग्रहण करेंगे तो आपके परिवार पर आने वाला किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का कष्ट बहुत आसानी से टल जाता है। ये कद्दू दान करने का प्रयोग जो है ये आपको कुंभड़े को दान करने के लिए 3 महीने या 6 महीने में एक बार इस उपाय को करना चाहिए। किसी भी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं।
रात्रि काल में रोगी व्यक्ति के पास तांबे के दो सिक्के रख करके प्रातः काल किसी सफाई कर्मचारी को नियमित 40 दिन तक देते रहने से राहु से संबंधित जो कष्ट होता है वह दूर हो जाता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य में आने वाली समस्याएं या बाधाएं जो होती हैं वह भी शांत हो जाती हैं, वो उससे दूर रहती हैं। अगर कोई रोग वर्तमान में चल रहा है, कोई आप रोग से पीड़ित या ग्रसित हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा उपाय है कि भोजन जहां बनाया जाता है अगर वहीं पर उस भोजन को खाया जाए, ग्रहण किया जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति रसोई में ही भोजन को ग्रहण करता है तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने का ये बहुत प्रामाणिक उपाय है और उसके साथ साथ मंगल तथा राहु के शुभ प्रभावों को भी ये वृद्धि देता है। तो इस उपाय के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि आप अपने किचन के प्रयोग के किचन के इस्तेमाल से कैसे राहु को भगा सकते हैं अपने घरों से, उसी से जुड़ा हुआ ये उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो राहु और मंगल द्वारा जनित जो भी आपके शारीरिक दोष होते हैं या रोग होते हैं उसमें आपको काफी लाभ मिलता है। रात्रि में थोड़ा सा जल किसी बर्तन में भर करके सर के पास रख करके सोना चाहिए और अगले दिन इस जल को किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां किसी का पैर ना पड़े। अपने प्रयोग में इस जल को आपको नहीं लेना है और आपको ध्यान रखना है कि आप जब किसी पेड़ पौधे में डालते हैं तो वह पेड़ पौधा जो है तुलसी, पीपल, नीम या केले का नहीं होना चाहिए। इन चारों वृक्षों की, यानी तुलसी, पीपल, नीम और केला, इन चारों वृक्षों की पूजा होती है। इन सभी पौधों में अगर आप डालेंगे तो वो अपने आप में दोष होगा। अगर आप ये जल वाला प्रयोग करते हैं तो इससे भी राहु जनित दोषों में आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक गोमती चक्र को चांदी में पिरो करके पलंग के सिराहने बांधने से भी रोग से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें लाभ मिलता है। रोग धीरे धीरे घटने लगता है, शांत होने लगता है। दूसरा अन्य उपाय यह है कि मंगलवार और रविवार को फिटकरी का टुकड़ा बच्चे के सिराहने रख दें। इससे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। अगर किसी भी प्रकार का दोष है तो भी उसको सिराहने रख करके दो दिन बाद घर से बाहर फेंक दिया जाए तो नकारात्मकता या नजर दोष या किसी प्रकार का टोटका होता है वह शांत हो जाता है। अष्ट धातु का एक कड़ा बच्चे को आप धारण कराएं, इससे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, रोगों में लाभ मिलने लगता है। बच्चा जल्दी ही स्वास्थ्य से तुरंत ही स्वस्थ हो जाएगा, उसको लाभ मिलने लगेगा। तो ये था आज का महोपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।